हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिकर्शन का यूज करके बेसिकली नंबर प्रिंट करना चाहेंगे, रिवर्स ऑर्डर में या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं बना ही लिया हूँ, लेकिन आपको स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा कैसे ये वर्क कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो उससे भी पहले मैं आपको एरे को ट्रैवर्स करना सिखाऊंगा, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, वो कैसे होता है। सॉरी, लेट्स से वी हैव एन एरे। ठीक है, इसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं। लेट्स से व्हाट वी कैन से हियर इज वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19। ओके, सो वी नीड टू प्रिंट दिस एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, सो हेयर वी हैव पास्ड आवर बेस एड्रेस, दैट इज ARR। टोटल वी हैव 10 एलिमेंट्स इन आवर एरे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोड, हाउ कैन वी राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, so whenever we have called this print reverse function, sorry I have been talking in English, so what we are pass, so हम यहाँ पे array का pass कर रहे हैं, array का base address pass कर रहे हैं। तो base address को store करने के लिए एक pointer बनाएंगे और int n। ठीक, तो जब तक n minus 1 greater है किससे, माइनस वन से ना, तब तक हमको क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एरे के एलिमेंट्स को हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए एन माइनस वन, अगेन वी विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन, एंड देन अगेन वी कॉल दिस सिमिलर फंक्शन अगेन एटिंग एन। लेट्स रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, सो एज यू कैन सी, तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा एरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ठीक है, और अगर हम इसी चीज को रिवर्स नहीं करके फॉरवर्ड ऑर्डर में प्रिंट करें, मतलब जैसा है, तो उसके के लिए तो बहुत ईजी है। इसके लिए तो मैं आपको कोड प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ, एरे 10, उसके लिए हम कोड लिखेंगे void, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फॉरवर्ड। एक तो हमारा बेस एड्रेस है, दूसरा हम कितना एलिमेंट है हमारे एरे में, वो तो बेस एड्रेस है। एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर में स्टोर करते हैं, और इंट सॉरी एंड तो हम कंडीशन लगाते हैं। तो इसके के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक है वो। ठीक, स्टैटिक इंट आई असाइन 1, नॉट 1, इट्स 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर I less than n है ना, सिंपली प्रिंट द एलिमेंट ऑफ आवर एरे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए ऑफ I, उसके बाद ए ऑफ I प्रिंट होके I में इंक्रीमेंट हो जाए, उसके बाद ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाए, और इसमें हम a पास कर रहे हैं जो कि बेस एड्रेस है, और हमारा n कितने एलिमेंट है हमारे एरे में। ठीक है, तो हम लाइन चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें दोनों फंक्शन के बीच में कुछ सेपरेशन रहे, जिससे कि हमें डिबग करने में आसानी है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रंट ऑर्डर में भी प्रिंट हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में भी हमारा एरे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है। तो ये सब कुछ कुछ बेनिफिट है रिकर्शन का। ये काम आप हम लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, रिकर्शन को स्टॉप करने का कोई मेथड है, कोई सा भी? जैसे हमें पता है कि हमें अगर लूप को रोकना है ना, टर्मिनेट करना है, या फिर ब्रेक करना है, फिर उसको तोड़ देना है, मतलब लूप मत चलो, ख़त्म हो जाओ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट फॉर डैट। पर यहाँ रिकर्शन में कुछ ऐसा है क्या, रिकर्शन को हम ब्रेक कर सकें या फिर तोड़ सकें? हाउ कैन वी, लेट्स से हमारा कोड इन्फिनाइट रिकर्शन कर लिया है, ठीक है, उसमें बेस केस लिखना छूट गया, तो हम कैसे अपने प्रोग्राम को
स्टॉप करेंगे, क्योंकि वो तो बार बार चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तुरंत तो नहीं होगा, या 5 मिनट अगर कोड चलते रह गया तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर हमको कोई रिकर्सिव कोड दिया हुआ और हमको ये नहीं पता कि वो इन्फिनाइट है, कि अगर वो इन्फिनाइट रिकर्सन है तो बस एक ही मेरे पास स्टेप है, अगर बेस केस सेटिस्फाई है, और अगर बेस केस कभी कभी ऐसा भी है कि हम बेस केस देते और वो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो, तो अगर हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि वैलिड बेस केस अगर गिवन है तब तो हमारा कोड सही है, अगर नहीं है तब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उस प्रोग्राम को हमको एक्सप्लिसिटली खुद से स्टॉप करना पड़ेगा रन होने से, ठीक है। तो मान लीजिए एक और फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे हमको 1 से लेके n तक प्रिंट करना है, ठीक, प्रिंट 10 मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक। तो उसके के लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं void print int n। अगर n हमारा greater than equal to 1 है ना, तब तक हमको सेपरेट चाहिए, तो n को हम सिंपली प्रिंट कर देंगे, उसके बाद n में हम डिक्रीमेंट कर देंगे उसका, सिंपली प्रिंट फंक्शन को कॉल करके n इसको पकड़ा देंगे, तो ये हमारा क्या कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में हमारा प्रिंट कर देगा 10 9 8 7 6, अच्छा सॉरी न्यू लाइन कैरेक्टर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक ही रिकर्शन में ये काम करना चाहें तो हो पाएगा क्या, एल्स में गए, अगर हम एल्स में गए और ये काम करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बोलिए क्यों, ये इफ भी चलेगा, ये इफ तो थोड़ी ना बंद हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है। तो एक बार में रिकर्सन से हम एक ही काम कर सकते हैं, और एक चीज़ और यह है, हम रिकर्सन में लूप भी लगा सकते हैं, अगर किसी काम में एक क्वेश्चन हमें देखे थे कि क्या हम रिकर्सिव कोड में लूप यूज कर सकते हैं क्या, मतलब रिकर्सन भी हो रहा है और लूप भी उसमें है उसी फंक्शन में, तो हाँ हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। प्रिंट करना चाह रहे हैं 10 कहाँ से, 1 से लेके 10 तक, तो उसके लिए भी हमारा फंक्शन है हमारे पास void print, अच्छा यहाँ पे थोड़ा हमको अपना फंक्शन को print n का नाम चेंज करना होगा, क्योंकि एक जैसा फंक्शन अगर होगा तो कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। int n हमको अब इसको कहाँ से प्रिंट करना है, स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। int i assign 1 if अगर i हमारा लेस देन n प्लस 1 है ना, क्या प्रिंट करते, चलो प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई में इंक्रीमेंट कर दो, फिर से ये फंक्शन को कॉल कर दो और उसमें कुछ नहीं एंड पकड़ा दो, हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रिकर्शन बहुत केस में बहुत इजी भी है, पर कुछ कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि हमारी इसका बेस केस सोचने में, जैसे ट्री के कोड में कुछ कुछ कोड ऐसा होता है ना कि आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपका वो उस पर आपका हैबिट हो जाता है कि आप इजीली किसी का भी रिकर्सिव कोड लिख सकते हो और डिफाई से आराम से उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।